कलंक की असफलता के बाद अब संजय दत्त फिल्म प्रस्थान में धांसू अवतार में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म साल 2010 में आई तेलुगु फिल्म प्रस्थानम का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में संजय दत्त खूंखार विलन के रूप में नजर आने वाले हैं। उनके फैंस इस फिल्म में उनके किरदार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में अब संजय दत्त की फिल्म का इंतजार खत्म होने ही जा रहा है। खुद संजय दत्त ने इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 20 सितंबर 2019 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है। इसी के साथ संजय दत्त अब बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन के साथ भिड़ने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड भी 20 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस बार संजय दत्त की फिल्म एक सोलो रिलीज नहीं होगी। यही वजह है कि संजय दत्त अपनी फिल्म को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया था, जिसके बाद से हाल ही में उन्होंने फिल्म प्रस्थानम का टीजर भी रिलीज किया है। फिल्म के टीजर में संजय दत्त की जानदार आवाज में फिल्म का डायलॉग सुनाई दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले फिल्म को 6 सितंबर 2019 को रिलीज करने का मन बनाया गया था, जिसको बाद में बदलकर 20 सितंबर कर दिया गया। इस बड़े बदलाव की वजह विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो 3 को माना जाता है। डेट बदलने के बाद भी संजय दत्त की फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म के साथ रिलीज होने वाली है। अगर बात करें फिल्म झुंड की, तो इस फिल्म में बिग बी एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर का किरदार निभा रहे हैं, जो कि गरीब बच्चों के बीच फुटबॉल मूवमेंट शुरू करता है। इस फिल्म को नागराज मंजुला ने निर्देशित किया है, जिन्होंने मराठी फिल्म सैराट का निर्देशन भी किया था। ऐसे में अमिताभ बच्चन संजय को कड़ी टक्कर देते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से फिल्म के कलेक्शन पर भी असर पड़ना लाजमी है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के एंटरटेनमेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।